जब छोटा बच्चा होता है ना तब ऐसे व्लॉग्स बनते हैं। इसको खिलाना भी चाहती हूँ, इसके साथ खेलना भी चाहती हूँ थोड़ा। कैसी है? पतिदेव बारिश के इंतजार में बाहर ही खड़े हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड कमागणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऑल्सो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ये वाले वीडियोस, और बताते रहिए कि किस तरह के और व्लॉग्स या वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहेंगे। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी वैसे बनाने की। सो दिन स्टार्ट हो चुका है, अभी बज रहे हैं अराउंड 8। चाय पी ली है हमने, साफ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा हो गया है, उसके बाद में भव्या अभी खेल रही है। ये मैडम आज जो हमेशा 8:30 बजे उठती है, आज सुबह 6:30 बजे से उठ के बैठी है और कोई काम करने नहीं दे रही है, हर काम में बीच बीच में आ रही है। बट ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये चल रहा है। बाबू क्या कर रहे हो, दिखाओ। उर्रे, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये कैसा एक्सप्रेशन है बताओ? ये आजकल भव्या का पेटेंट एक्सप्रेशन है। बाबू क्या कर रहे हो? टाटा, देखो ये दो थे, अभी 4 हो गए। ये डांस करो, डांस करो। भव्या बैठी है अपने नानी सा के पास में, वहां पे ये लोग खेल रहे हैं और हम करेंगे काम। क्या हम करने वाले वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे साथ में बैठे हैं भव्या के पापा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं मेरा घूमर का चैनल भी है यूट्यूब पे और मैं घूमर सिखाती भी हूँ काफी टाइम से। सो ऑनलाइन एंड अब ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे जयपुर में। सो उसी से रिलेटेड बैनर बनाना है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ डिजाइन हो रहा है तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए। सो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के अभी फिलहाल डिजाइन सोचेंगे क्या करना है। सो एक रफ आइडिया हम बना लेंगे अभी, उसके बाद में अंकित जो कि मेरा भाई है वो ग्राफिक डिजाइनर है तो उसे ये काम सौंपा जाएगा कि वो एक अच्छा सा प्यारा सा बैनर तैयार करे जो हम प्रिंट करा के यहाँ पे लगाएंगे, सो दैट आसपास यू नो पता चले कि यहाँ पे कोई घूमर सिखाते हैं। सो थोड़ा सा इस चीज को प्रोफेशनल लेके जा रही हूँ, अब तक पैशन के लिए शौक के लिए करती थी, अब सोचा कि चलो इस चीज को प्रोफेशन बना के देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, लेट्स सी। सो अगर आप जयपुर में हैं और घूमर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ आसपास से गुजरें और बैनर देखें तो मुझे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब लगते हैं काम के। सो मेरे हस्बैंड मेरे करियर को और ग्रोथ को लेकर हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम होता है हम दोनों के ही करियर से रिलेटेड तो हम हमेशा साथ में ही बैठ के करते हैं। आई थिंक काम भी अच्छे से होता है और एक दूसरे की हेल्प से बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे बस अपना बैनर जो है वो डिजाइन कर रहे थे, एक छोटी सी शुरुआत है ये। ठीक है, ये तो ये हो गया। उसके बाद में आया वी डू कोरियोग्राफी फॉर वेडिंग, संगीत। इसको देखो, आजा आजा, वो देखो कैमरा। हेलो बोलो, हेलो हेलो, डन, हैप्पी बोल दो, हैप्पी। चलो जाओ नानी के पास, जाओ नानी बुला रहे हैं। पेपर सब दिखाई दी, सो हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग और ये देखिए मैडम, जब छोटा बच्चा होता है ना तब ऐसे व्लॉग्स बनते हैं। नहीं जाएगी इसको खेलना तो यहीं पे, ये अपने सारे खिलौने लाला के कैमरा के सामने। सो अभी हमने बेसिक सा डिजाइन जो है वो पेन और पेपर पे डिजाइन करके बनाया है, थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़े से कंफ्यूज भी हैं क्या लिखें क्या नहीं लिखें, बट सिंपल सा बना रहे हैं, ज्यादा बहुत सारी चीजें नहीं लिख रहे, बस इतना मैसेज कन्वे हो कि यहाँ पे डांस क्लासेस होते हैं, डांस सिखाया जाता है, घूमर सिखाई जाती है। अब अंकित को फोन करेंगे, उसे डिजाइन भेजते हैं, उसकी राय लेते हैं उसे कैसा लग रहा है, उसके बाद में फिर हम प्रिंट कराएंगे। जल्दी से जल्दी ये काम करवाना है, आज हो सका तो आज, अदरवाइज कल तो किसी भी हालत में करवाना है। सिम लेने जाना है आज हमें एक, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट नंबर देना है, मेरे पास एक ही नंबर है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, वो नहीं दूंगी, तो एक सिम खरीदेंगे, वो वाला नंबर फिर हम यहाँ बैनर में लगाएंगे और वही मैं सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, चाहे मेरे सोशल मीडिया हो
तो वो नंबर मैं आप लोगों को भी दे दूंगी, तो अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी हो डांस क्लासेस से रिगार्डिंग तो आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए जी बात करते हैं अंकित से, और फिर जब फाइनल बैनर बन जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो अंकित से बात हो गई है, बट सबसे पहले उसने कहा कि दीदी मुझे आप मेजरमेंट भेजो कि आपको कितना लंबा चौड़ा कैसे बनाना है बैनर, तो मैं उस हिसाब से डिजाइन करूंगा। सो अब इंची टेप से मेजर कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आ जाइए एक बार मेजर कर लें, उसके बाद में हम अंकित को भेज देंगे। धूप बहुत ज्यादा हो गई है, आपने 9 बजे ऐसी धूप आ जाती है ना यहाँ पे, तो ये लो मेजर कर लेते हैं हम। मैं सबसे पहले नहा के रेडी है भव्या जी, है ना बाबू, कितनी खुश हो रही है, देखो कितनी खुश हो रही है नहा के। हाँ बाबा नाई नाई कैसे करी बेटा, छप छप करी, अभी अपने बाल सुखा रही है फिर जाएगी अंदर। सो आज मैं बना रही हूँ हरे धनिया की चटनी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। मैं 4 से 5 अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, जिसमें से आज ये एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे धनिया और पुदीना मिक्स चटनी बनने वाली है, जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, और आज पूरा उनकी चॉइस का खाना बन रहा था। तो यहाँ पे लहसुन छील लिया है मैंने, जार में ये डाल दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे तीखी वाली मिर्ची, तो जितनी तीखी होती है चटनी उतनी अच्छी लगती है। मिर्ची डालने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे धनिया और पुदीना, तो ये धो के हमने अलग से रख दिया था, ये अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद में आप इसमें जीरा ऐड कर सकते हैं, आप भी बताइएगा किस तरीके से आप बनाते हैं, मैं अपना वे शेयर कर रही हूँ। जीरा ऐड करने के बाद में हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे अपने स्वाद के हिसाब से, जैसा आप खाना पसंद करें उस हिसाब से आप नमक ऐड कर लीजिए इसमें। और इसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है दही। हम बिना दही के ये चटनी बिल्कुल नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो मिर्ची है वो नुकसान ना करे, और दही से एक अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। साथ में मैं थोड़ा सा अदरक भी ऐड करती हूँ, टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहें तो अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। सारा ग्राइंड करने के बाद ये रही हमारी चटनी। कुछ लोग इसे छोंक के भी खाते हैं, तो मैं कभी छोंक के बनाती हूँ कभी बिना छोंक के, तो आज इस तरीके से थी। बचा हुआ पुदीना मैंने पेपर पर सुखा दिया है, तो ये जो पाउडर बनेगा वो हम आगे छाछ में यूज़ करेंगे धनिये की। कैसी है? और ये यहाँ पे मैं बूंदी ऐड कर रही हूँ, सो बेसिकली छाछ है ये, रायता नहीं है, तो इसमें मैंने बूंदी डाल दी है थोड़ा सा टेस्ट के लिए। साथ में थी आलू की सब्जी। सो शाम का मौसम अब वापस कुछ इस तरीके का है, और बारिश आने के पूरे पूरे आसार हैं, और ये पतिदेव बारिश के इंतजार में बाहर ही खड़े हैं। हाँ जी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? सो अभी हम आए हुए हैं टेरेस पे, भव्या नीचे बिल्कुल भी नहीं रह रही थी, उसे एक्चुअली बाहर का या छत पे आने का इतना चस्का लग गया यहाँ आने के बाद में कि वो घर पे बिल्कुल भी नहीं टिकती है। शाम होती तो उसको होता है वो मेन डोर के पास नॉक करना शुरू कर देती कि चलो यहाँ से ऊपर। तो भव्या के पापा तो काम कर रहे थे लैपटॉप पे, वो बिजी हैं, इसलिए मैं और मम्मी भव्या को ऊपर लेकर आए हैं यहाँ पे। और ये देखिए जब ये ऊपर आती है मैडम पूरा लोट पलोट होके जाती है, गंदी होके जाएगी, फिर इसे नहलाना पड़ता है, और ये यही चाहती है क्योंकि इसे गर्मी बहुत लगती है। और वैसे भी टेरेस पे आना था, कपड़े सूख रहे थे तो वो उतार रहे थे, मम्मी भव्या के पीछे पीछे भाग रहे हैं बिकॉज वो टिकती नहीं है एक जगह। तो हमारा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, और अभी सामने वेस्ट में सनसेट हो रहा है, जो कि अभी शायद इतना क्लियर नहीं दिखेगा। चलिए सो जो कपड़े सूख रहे हैं वो उतार लेती हूँ पहले। और ये रहे मम्मी, हेलो मम्मी। अम्मा गणेशा आज तबीयत थोड़ी सी नरम है, आज मम्मी का थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है। आज मम्मी के एक ही दिक्कत है सरदर्द की, बाकी कोई तकलीफ नहीं है टचवुड, बट सरदर्द बैंड बजा देता है। इसको खिलाना भी चाहती हूँ, इसके साथ खेलना भी चाहती हूँ, थोड़ा अम्बिका को हेल्प भी करना चाहती हूँ, लेकिन सर इतना दर्द कर रहा है, ये रो रही थी इसीलिए मैं बोली चलो बेटा थोड़ी देर। अब देखो ये पूरा लोट पोट होके जाएगी, ये देखो देख लो इसकी हालत देख लो, अब इसको नीचे जाके नहलाएंगे। कोई नहीं चलो थोड़ा सा फ्रेश हवा में आयो, हो सकता है आपका भी सर में आराम आए। बैठ जाओ घूमो मत मम्मी। भव्या क्या लिया? क्या ले रहा है मेरा बेटा? सनसेट हो रहा है सामने, मस्त वाला सनसेट हो रहा है।